अबे हे हाँ चलिए बता, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडव के सिर्फ 5, ऐसा क्यों? अरे जिनकी आंखें होती हैं उनको और भी काम रहता है। दोस्तों बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। यार तेरी बीवी ने तुझे घर से क्यों निकाला? अबे साले तेरे कहने पे ही उसे चैन गिफ्ट किया था। वो चैन चांदी का था क्या? बैगन नहीं, वो साइकिल का था। कुछ औरतों को उनके पतियों के साथ देखकर इतना अफसोस होता है कि देश का सौंदर्य गलत हाथों में चला गया है। सुनो, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? अरे पागल का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकता है। आज मुझे जुखाम हो गया था तो मैंने एक लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, तो बोली तुम्हारी तबीयत के साथ साथ तुम्हारी नीयत भी खराब है। औरतों को अगर मनपसंद पति मिल जाए तो उनके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर पुरुषों को मनपसंद पत्नी मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाते हैं। एक दुकान वाला एक औरत को कपड़े दिखा दिखा के थक गया, तो दुकान वाला बोला मुझे अफसोस है बहन, मैं आपको कपड़े नहीं दिखा पाया। इतने में औरत बोली कोई बात नहीं है भैया, वैसे मैं सब्जी लेने निकली थी, आपके दुकान में एसी देखा तो मैं आ गई। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है, पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। लोग अपनी बहन बेटियों को तो शेर बनाते हैं, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों को देखकर कुत्ते क्यों बन जाते हैं? लड़कियों को खुश करने का आसान तरीका, उनकी तारीफ से ज्यादा उनकी सहेलियों की बुराई करो। यार तेरी बीवी ने तुझे घर से क्यों निकाला? अबे साले तेरे कहने पे ही उसे चैन गिफ्ट किया था। वो चैन चांदी का था क्या? बैगन नहीं, वो साइकिल का था।